शुरू करते हैं उन स्टेप्स से, मतलब भैया भक्त बने हो तो ज्वाइन करना पड़ेगा कहीं, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप भक्त बन सकते हैं, वो कौन लोग हैं जो आपको इस बात की डिग्री देते हैं कि आप भक्त हो, आपको क्या करना, आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना पड़ेगा भक्त बनने के लिए, तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ ये, मैंने जैसे बात की कहाँ एडमिशन लेना होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी, आपको किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे में कूदना पड़ेगा फैक्ट के साथ, और प्रोटेक्ट करना होगा उस चीज़ को जो सही है, और डिफेंड करना पड़ेगा उस चीज़ से जो गलत है। फिर मैं अभी आपको एक कीवर्ड बताता हूँ, कीवर्ड ये होगा, लेकिन थोड़ा मैं इसको बाद में बताने वाला था, मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको भक्त बनने में और आसानी कैसे होगी। आपको जैसे, क्योंकि पॉलिटिकल बहस जाहिर सी बात है, तो पॉलिटिकल बहस है तो आप किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही पक्ष लोगे, तो आपने पक्ष ले लिया किसी पार्टी का फॉर द, और किसी का, ये सुविधा आपको सिर्फ बीजेपी में ही मिलेगी। मोदी जी का ही ये बहुत ऐसा है कि आप अगर मोदी जी के साइड नहीं ले रहे हो तो आप भक्त नहीं कहलाए जा सकते। एंड में इस पर मैं सवाल एक चीज़ पूछना चाहूँगा, फिर वीडियो ख़त्म करूँगा। तो साइड ले ली बीजेपी की एक चीज़ पे, फॉर द इंस्टेंस करंटली जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में भी हुई थी, फिर अभी फिर से हुई, जब जब पाकिस्तान आएगा तब तब हम मारेंगे उसको भाई, घर में घुस के मारेंगे, इतना अंदर जाके बालाकोट में मार दिया। तो बस इन सब चीज़ों पर आप हल्का सा क्रेडिट दे दो मोदी को। तो पहला तो लोग तर्क देते हैं कि मोदी ने नहीं किया, आर्मी ने किया, ऑब्वियसली आर्मी ने किया भाई, पर आप तर्क देते हो कि आर्मी पहले भी थी, आर्मी लेके हाथ खड़ी थी कि इसमें हमें ऑर्डर दीजिए, हम रेडी हैं, कैपेबल हैं, मार के आएंगे, पर 26/11 होता है, आर्मी पूछती है, पॉलिटिकल विल नहीं होती, आप अमेरिका जाते हो रोने, वो बात अलग है। अब इस पर तर्क वितर्क बहस, तो आपको कोर्स पता चल गया कि आपको क्या करना था, साइट पता चल गई किसके लिए नहीं, भक्त बनने के लिए, और अब आता है वो स्टेप जहां आपको सर्टिफिकेट मिलने ही वाला है, रुके ही रहिएगा, भक्त बनना है, बन के जाना है यहाँ से। आप अपने फैक्ट्स पे टिके हो, आपने कहा है बस कि ये बात है, मैं इस पे स्टैंड करता हूँ, ये बात सही थी गवर्नमेंट की, इसने ये चीज़ की है, सही की है, और किसी गवर्नमेंट में ऐसी करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो सामने वाला आप पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू थोपेगा, गलत साबित करने की कोशिश करेगा। अब इस चीज़ में भी कोई क्या गलत साबित करेगा, लेकिन तब भी लोग कहते हैं कि चुनाव है तो मोदी ने खुद अटैक ही करवाया, वो अटैक जिसमें जवान मरे और पॉलिटिकल गेन के लिए सब किया गया, कहते हैं लोग मेरे सामने, मुझे टेक्स्ट में कह चुके हैं, और ऐसी चीज़ों पे लोगों को जेल हो जाती है, लेकिन मैं क्या बताऊँ। तो आप पे वो अटैक करेंगे बेसलेस आर्ग्यूमेंट से, आपका सर फट रहा होगा कि मैं क्या रिप्लाई करूँ इसके फालतू फालतू चीज़ों का, लेकिन आपको एक स्टैंड लेना है, आपको उनकी मिसलीड करने वाली चीज़ों को जनता के सामने दिखाना है कि कल को कोई उनका शेयर किया हुआ पोस्ट, स्टोरी, कुछ भी पढ़े, या फिर वो आदमी जो आपको ये सब भेज रहा है उसको भी समझ में आ जाना चाहिए कि वो कहाँ गलत है। आप पहले आप प्योर इंटेंशन से करते हो कि भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये बात नहीं, ये बात है, पर जहाँ पे आप डिग्री मिल रही है, जहाँ पे आप सही हो गए हो, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आपके पास है, अब मैं सही हूँ, इस बात का जवाब वो नहीं दे पाएगा, वहाँ पे वो मन ही मन आपके भक्त वाली डिग्री पर साइन कर रहा होगा, आपको ऐसे ऐसे लेके उसके मुंह से शब्द आ रहे होंगे, आप रेडी हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसे करके आपको कहते हैं, अरे भैया भक्तों माफ़ करो हमको, ये भक्तों के लिए नहीं है, और फिर कहानी ख़त्म, डिग्री लो, और डिग्री ले ली तो उसके आगे के आप फैक्ट रखो, मोदी को उठा के खड़ा कर दो, आर्मी को उठा के खड़ा कर दो, पाकिस्तान को उठा के खड़ा कर दो, कितनी मार खाइए, आप भक्त बन चुके हो। कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपकी बात पे वो इस टैग के अंदर यकीन ना करने का दिखावा करने लगेंगे। अगर मैंने कहा मोदी ने डेवलपमेंट किया, मोदी ने ग्रोथ की, चलो तो मोदी का तो ये लोग ऐसे मोदी बोल दिया तो ऐसे नहीं मानेंगे ना, कुछ भी गवर्नमेंट के फेवर में, मतलब कुछ भी अगर आपने ऐसा बोला, आप भक्त हो, आपके वर्ड्स की वैल्यू ख़त्म, तो ये है इसका नुकसान। अब नुकसान
किसी के लिए नहीं है वैसे, क्योंकि सामने वाला आपको जितना भक्त बुला ले, आपको पता है कि आप सही हो, कहाँ सही हो, कौन सुनेगा तो आपको सही कहेगा, कौन सुनेगा तो गलत कहेगा। ये आपको एक सिग्नल देता है कि भाई साहब इसने आपको भक्त मान लिया है। ये जितनी भी स्टोरी डाले, कुछ भी पोस्ट शेयर करे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी, अब आपको समझ जाना है कि आप भक्त बन चुके हो। आप इसकी कही हुई कुछ किसी भी चीज़ पे अगर कमेंट रिप्लाई कुछ भी करते हो, उतना ही होगा वो बराबर जितना पत्थर के सामने बकर बकर करना होता है। जैसे मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कैमरा मुझसे बात नहीं करने वाला है, जो जनता देख रही है वो मुझे सुन रही है, वो शायद कमेंट करेगी, कुछ बताएगी। तो ये तो है पूरी भक्त बनने का प्रोसेस, थोड़ा लंबा हो गया तो समझना, लंबा नहीं है वैसे, रियलिटी में बहुत छोटा प्रोसेस है, 5-10 मिनट का है बस, और कुछ नहीं। बस इनमें एक दो सवाल से छोड़ जा रहा हूँ, एक ही से, कि अगर बीजेपी सपोर्टर्स, मोदी सपोर्टर्स, नेशन के फेवर में कुछ अच्छा किया है मोदी ने, उस चीज़ का अगर कोई समर्थन करे, तो वो भक्त अगर बन जाता है, तो वो लोग कौन हैं जो नेशन के अगेंस्ट बहस करते हैं? वो लोग कौन हैं जो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं? फिर अब ट्रोल्स के अकॉर्डिंग तो उनको चमचा वमचा कहा जाता है, और भी राहुल का पता नहीं, खैर छोड़ो। और जो सपा बसपा, इन लोगों को सपोर्ट करने वालों को क्या कहा जाता है, ये मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर दे जनता, और मुझे बताए कि क्या मैं भक्त हूँ, मतलब मैं अच्छा भक्त हूँ कि नहीं। और मुझे ये भी बताए कि कितने लोग भक्त बन चुके हैं अब तक। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।